डकैती लूट और आगजनी जैसी घटनाओं में फरार चल रहे अपराधी संजय लोहरा को आज पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आपको बता दें कि संजय लोहरा उम्र लगभग 22 वर्ष, पिता लच्छू लोहरा, ग्राम पिपराटोली थाना और जिला खूटी का रहने वाला है, जिसके ऊपर खूटी और तोरपा थाना में कई धाराओं के तहत मामला दर्ज है, जिसके तहत पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी और संजय लोहरा फरार चल रहा था। अंततः पुलिस ने आज संजय लोहरा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी उपलब्ध कराई है। पुलिस अधीक्षक महोदय खूटी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई, खूटी थाना कांड संख्या 4523 के फरार अभियुक्त संजय लोहरा संजय टाइगर खूटी में आया हुआ है और किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। बता दें कि संजय लोहरा और संजय टाइगर पुराने कई कांडों में वांछित रहा है, कई बार जेल भी जा चुका है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएसपी प्रोबेशनर राम प्रवेश के नेतृत्व में टीम बनाया गया और इसकी तुरंत गिरफ्तारी की गई है। इसमें अभी संजय लोहरा का जो आपराधिक इतिहास रहा है, 4 का आपराधिक इतिहास ज्ञात हो पाया है, अन्य का पता लगाया जा रहा है। किन कांडों में ये बेसिकली लूट, आम सेक्ट, डकैती ऐसी घटनाओं का अंजाम देता आ रहा है। और कोई लोग किए हैं इसके गैंग में जो पुराने सदस्य थे, जो पुराना कांड 4523 बताया, कई लोग जेल जा चुके हैं और कई लोग की गिरफ्तारी भी बाकी है।